अज जलंधर विखे लद्देवाड़ी रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री पंजाब विजयेंद्र सिंगला वालों किया गया। इस मौके पर विजयेंद्र सिंगला का कहना है कि 2.5 करोड़ की लागत नाल 18 महीनों में मुकम्मल होगा, जिस नाल इलाका निवासियों बड़े पद्धर से राहत मिलेगी। इस मौके उन्हों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपील करता है कि कल होने वाली मीटिंग में किसानों की मंग मान के ये खेतीबाड़ी कानूनों रद्द करन। किसान अंदोलन के चलदियां बहुत किसानों दी जाना जा चुकी हैं, फिर भी प्रधानमंत्री अपने अड़िया रवैये नूं छड्ड के अपना हंकार नहीं त्याग रहे। साढ़े जलंधर सेंट्रल दे MLA बेरी साहब दे यतना सदका इस इलाके की एक बहुत वड्डी मंग सीगी इस फ्लाईओवर नूं बनाउण वास्ते, जिस वास्ते माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने खास तौर पर 2.5 करोड़ रुपया इस फ्लाईओवर वास्ते मंजूर किया, जिसका काम एक साल के अंदर अंदर 18 महीने 1.5 साल के अंदर अंदर जिसका काम मुकम्मल होगा। और ये जड़ी साढ़े इलाके एक बहुत वड्डी बॉटलनैक सी, जे सड़ी साढ़े इलाके विच ये बहुत वड्डी बॉटलनैक सी, जिस दे नाल लोगों का बहुत सारा जिहड़ा वक्त है वो इस रेलवे क्रॉसिंग नूं क्रॉस करन वास्ते खराब हो जांदा सी, ते इस दे नाल वड्डे पद्धर ते शहर नूं इलाके नूं इस इलाके दे लोगों नूं बहुत वड्डे पद्धर ते राहत मिलेगी। और एक बहुत वड्डी मंग सी, बड़े वरियां तों मंग सी, और मैं जिहड़े इत्थे इलाके दे विधायक हैं बैरी साहब उन्हां दी जिहड़ी लगातार मेहनत मेरे महकमे नाल, मेरे महकमे की मेहनत लगातार रेलवे के महकमे नाल, क्योंकि जिहड़ी GAD है किसी भी ROB की वास्ते मंजूरी भारत सरकार वालों होने वास्ते जाती है, तो उसकी मंजूरी होने तो बाद असी इस पैसे नूं मंजूर किया, जिसका अज काम चालू हो गया, टेंडर अलॉट हो गया, काम एजेंसी नूं अलॉट हो गया, तो 18 महीनों के अंदर अंदर इस काम नूं असी मुकम्मल करांगे ताकि इस इलाके के लोगों नूं वड्डे पद्धर से राहत मिल सके। बड़ी दुखदायक गल है कि बहुत सारे किसानों का अकाल चलाना हो गया, पर मोदी जी की जिहड़ी जिद है, मोदी जी की BJP सरकार का जिहड़ा हंकार है वो अज हजे तक टुटिया नहीं। साडा किसान, साडे मजदूर, साडे आड़ती, साडे छोटे दुकानदार, जिन्हां दी सारे सूबे की इकोनमी जिहड़ी इस संघर्ष के नाल जुड़ी है, वो सारे लोग पिछले 1 महीने तो भी ज़्यादा हो गया जिहड़ा कि दिल्ली के बॉर्डर से बैठे हैं, और पिछले 3-4 महीनों तो लगातार पंजाब के वख-वख जगह पर बैठ के सब ने प्रदर्शन किया। और आप सारे जानते हैं कि साडा जिहड़ा किसान है या गरीब है या खेत है या फसल है या मंडी है, ये सारे लोगों का एक 9 मास का रिश्ता है, और ये सारे लोग आपस में परिवार के रूप में काम करते हैं, और कोई भी बंदा एक दूजे तो बिना काम नहीं कर सकता, और ये सारे लोग मिल के ही पंजाब की आर्थिकता को मजबूत करने का काम करते हैं। मैं तो थोड़े चैनलों के राही परमात्मा नूं अरदास करदा ते मोदी जी नूं हाथ जोड़ के बेनती करदा कि किसानां दे इस संघर्ष नूं जो उन्हां दी मंग है उन्हूं कल नूं प्रवान करन, और साडे पंजाब दे लोगां नूं, इस देश दे किसान नूं, इस देश दे मजदूर नूं ये वड्डी राहत देन जिहड़ी पिछले 4 महीनों तो लगातार संघर्ष के रूप दे विच तब्दील होई हुई है। प्रोग्राम रद्द हो रहे हैं, BJP कह रही कि कांग्रेस सरकार जिहड़ी है माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। सानू सब नूं पता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की रहनमाई हेठ पंजाब दे सूबे की जदों भी अमन ते शांति की गल आई है, कानून अवस्था की गल है, उत्थे सख्ती नाल काबू पाया गया है। BJP दे लीडर साहिबाना वालों समय समय के उपर ऐसी गल्लां दे बयान देना ये चंगी गल नहीं है, क्योंकि आपां सारे समझते हैं जदों तो किसान का संघर्ष चलिया है पूरी शांति दे नाल संघर्ष हर जगह के उपर हो रहा है, अमन ते शांति दे नाल हो रहा है, किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। जदों BJP दे लीडर कोई यह जे भड़काऊ स्टेटमेंट देंदे तो उहदे नाल लोगों नूं तकलीफ होंदी है। नहीं, मैनू रवनीत बिट्टू जी के बयान बारे तो मैनू पता नहीं कि उन्होंने, मैं क्या मैनू रवनीत बिट्टू जी के बयान बारे नहीं पता, पर लेकिन मैं ये कहना चाहुंदा कि पंजाब की अमन ते शांति कायम है, और पंजाब दे जिहड़ा किसान है उन्हें अपने संघर्ष नूं बड़े सदीगी नाल, संजीदगी नाल ते अमन दे नाल कीता है, बड़ा पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट है, ते पीसफुल प्रोटेस्ट नाल प्रोटेस्ट चल रहा है, उन्हूं चले जाण दो, ऐसियां गल्लां करन दा नाल कई बार चीज़ां खराब हो जांदियां। देखो उहदे बारे मैं सिर्फ इक्को गल कहना चाहुंदा कि साडे कोले जदों तो BJP दी मोदी सरकार आई है
कम्युनिकेशन का चैनल एको ही साढ़े को सोशल मीडिया है तो सू असी अपना जो प्रोटेस्ट असी चलाया है जो किसान का संघर्ष है वह भी सोशल मीडिया करके पूरे वर्ल्ड में पहुँच पा रहे हैं। तो मैं ये समझदा कि आप सारों अपने जो कम्युनिकेशन चैनल है उन्होंने इंटैक्ट रखना चाहिए। देश दुनिया दी ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब की आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तों नू पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर के उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसी एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।